अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीक में एक लेक्चर हमारा ग्रामर का होता है। पेपर ए को हम लोगों ने जो इस वीक के लेक्चर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम लोग ग्रामर का लेक्चर जो है हमारा, लास्ट वीक में हम लोगों ने पास्ट टेंस जो था वो कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग जो है वो फ्यूचर टेंस आज के जो है वो लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। तो वो जो है वो हम लोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जो मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था टेंसेस के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट का क्या साइन होता है, पास्ट का क्या होता है, प्रेजेंट का क्या होता है और फ्यूचर का क्या होता है, ठीक है। सो आप लोगों को ज़रा रिकॉल करने के लिए कि इनके एग्जैक्ट मीनिंग का, मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनिट है वो जहाँ पे भी आएगा ना तो उसका जो उर्दू साइन है वो ता होता है, ठीक है, ता। आगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्योंकि प्रेजेंट का जो उर्दू साइन है वो है आता है, ठीक है, और पास्ट का जो उर्दू साइन है वो था आता है, तो इसलिए फ्यूचर का जो उर्दू साइन है उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एक्शन जो कंप्लीट होना ना हुआ हो, अभी आने वाला टाइम हो, उसके बारे में जो है वो बात करे तो उसका, इसलिए उसका उर्दू साइन होता है गा, ठीक है। तो अब वो ये फ्यूचर की बात करेगा कि मतलब कि आने वाले टाइम की, तो अगर ता के साथ गा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अगर ता के साथ है आता था पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स लिए उसमें तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता था, अगर ता था आ जाए तो वो क्या होता हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसलिए अब इस टेंस में ता इंडेफिनिट का साइन है वो तो डेफिनेटली सेम रहेगा पास्ट और प्रेजेंट की तरह। अब आगे फ्यूचर का साइन हम लोग लगाएंगे गा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी कि उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे हम लोग देखेंगे आखिर पर कि इसके आखिर पर कौन से वर्ड आते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी कि उर्दू फिक्रे जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी उर्दू निशानी फिर क्या बनेगी, ता होगा, ती होगी, ते होगे या अलिफ छोटी ये बड़ी है, करे गा भी जैसे आ सकता है, तो गा यानी कि अलिफ एंड पे आ गया, छोटी ये और बड़ी ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट के लास्ट पे आ सकती है, ठीक है। तो ये इसकी होगी उर्दू साइन जिससे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि हर टेंस को जिस जब हम लोगों ने किया उसके उर्दू साइंस देखने के बाद हम लोगों ने उसका हमेशा से हेल्पिंग वर्ब देखा, इसी तरह इस टेंस में भी सबसे पहले अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इसमें जी फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं विल और शैल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था कि एक हमारे पास सिंगुलर ग्रुप होता है, एक हमारे पास प्लूरल ग्रुप होता है। जो सिंगुलर ग्रुप है उसके साथ हमारे पास यहाँ पे विल लगेगा, जो प्लूरल ग्रुप है उसमें के साथ हमारे पास जो है वो शैल लगेगा, ठीक है। अब सिंगुलर ग्रुप में क्या आता है, ही शी इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। आगे है प्लूरल ग्रुप, आई वी यू दे प्लस ग्रुप, यानी कि परिंदे, लड़कियां, लड़के, इस तरह का ग्रुप आ जाए तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल लगाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आई यानी कि आई जो है वो भी एक सिंगल पर्सन की बात करता है, यू भी जो है वो भी सिंगल पर्सन की बात करता है, तो उसके साथ शैल क्यों लगता है। लेकिन ये उसका आंसर ये है कि ग्रामर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाती हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने एज इट इज़ फॉलो करना है। अब आई और यू वो जो है वो हमारे पास प्लूरल ग्रुप में आता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ग्रुप के साथ लगेगा। आगे फर्दर हमें पता होता है कि सिंगुलर ग्रुप में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, ही शी इट प्लस सिंगुलर नेम, और प्लूरल ग्रुप की जब भी बात होगी आई वी यू दे प्लस कोई ग्रुप नेम या कोई ग्रुप की जो चीज़ होती है वो आ जाए तो उसके साथ हम लोग शैल लगाएंगे। मोस्टली जो है वो आई के साथ क्या होता है, शैल लगता है, ठीक है, ज़्यादातर।
लेकिन जहाँ पे आप लोग देखें ये मैंने एरो लगा के साथ आई लिखा हुआ है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास भी लगाए हुए हैं, इसका मतलब है अगर मैंने इसको विल वाले कॉलम में लिखा है तो शायद समटाइम्स आई के साथ विल भी लगता है। लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आई के साथ विल कब लगता है और शैल कब लगता है। ठीक है, आमतौर पर ज़्यादातर जो है वो आई के साथ शैल ही लगता है। विल जो है वो आई के साथ तब लगेगा जब आप किसी भी फिक्रे पर जोर दिया जा रहा हो, जब किसी फिक्रे को फोर्सफुली कहा जाए, उसमें बात फोर्सफुली हो रही हो, तो तब उसके साथ जो है वो आई लगेंगे। जैसे कि मैं ये काम करूँगा, वो मैं मतलब जब भी किसी फिक्रे पर फोर्सफुली या उस पर जोर दे के बात की जा रही हो किसी चीज़ को के साथ एग्री करने के लिए, मनवाने के लिए, तो फिर क्या होता है, फिर आई के साथ हम लोग विल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल जो है वो ज़्यादातर क्या है, आई के साथ शैल ही लगता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सिंगुलर और प्लुरल ग्रुप में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। आगे बात आती है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट टेंस जब भी आप लोग करेंगे उसके साथ आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जस्ट आपको साथ ये भी कहा था कि जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के साथ आप लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ही अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जब तक वो सेंटेंस सिंपल होगा तो हम लोग फिर उसके में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ये बात बिल्कुल लिख लेने वाली है और ज़हन नशीन कर लेने वाली है कि इंडेफिनिट टेंस जहाँ पे भी हम लोग करेंगे उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे बगैर किसी कन्फ्यूजन और बगैर किसी टेंशन के। ठीक है, इसी तरह अगर कॉन्टीन्यूस टेंस हमारे पास आ जाता है तो कॉन्टीन्यूस टेंस आप लोगों के पास जिस भी फॉर्म का हो, यानी कि प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। ठीक है, ये एक याद रखने का तरीका है ताकि इसको इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं उनको भी जहन में रखना या याद करना आसान हो जाए। यानी कि इंडेफिनिट जहाँ पे भी आएगा फर्स्ट फॉर्म सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल सेंटेंस के, बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टीन्यूस के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है, और अगर परफेक्ट टेंस आ जाए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर पास्ट अगर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाए तो फिर कॉन्टीन्यूस जहाँ पे भी आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये जो है फॉर्म का एक छोटा सा जो है वो स्ट्रक्चर है, उसको याद रखने का। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका होता है इसको फॉर्म्स को याद करने का कि इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल सेंटेंस के, कॉन्टीन्यूस जहाँ पे भी आएगा, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे वो सिंपल कॉन्टीन्यूस हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल एक सिंपल कह लें एक टिप है इनको याद करने की। ठीक है, अब यहाँ तक फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्रिपल एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, यानी कि वो सवाल वो फिक्रा ना तो नेगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव हो। अगर वो सादा फिक्रा है तो उसमें हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी अवेलेबल है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग लिखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा ग्रामर का, उसमें मैंने आपको बताया था ब्रीफली कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज फिर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें क्योंकि एक वीक बाद हम लोग ग्रामर करते हैं तो थोड़ी कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं, इसलिए साथ साथ मैं हर लेक्चर में आप लोगों को रिकॉल करवाती रहती हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो होता है जो
काम करने वाला हो। काम करने से मुराद ये नहीं है कि कोई काम ही हो रखा हो, यानी सेंट फिक्रे में जब आप लोग ट्रांसलेशन करोगे उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में ये जो चीज़ है ये एक्शन परफॉर्म कर रही है। सेंटेंस में यानी कि फिक्रे में जो चीज़ एक्शन को परफॉर्म कर रही है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो काम कर रखा है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रखा होगा वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, और जो एक्चुअली काम है, जो मतलब काम जिस पर हो रखा है या जो करने वाला है, कोई काम तो होगा ना जब वो कर रहा होगा, वो हमारे पास होता है वर्ब, ठीक है। उसके साथ हम लोग लगाते हैं फॉर्म, यानी कि वो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी। हमारे पास इंडेफिनिट है तो ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एक याद करने वाली चीज़ है, चाहे उसको रट्टा मारे वैसे याद रखे किसी भी तरीके से, वो जो टेंस होगा उसमें उसी का हेल्पिंग, यानी कि अगर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब अगर लगाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेशक आप लोगों ने सही फॉलो किया हो, फॉर्म वर्ब भी ठीक लगाई हो, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो आपका कभी भी ठीक नहीं हो समझा जाएगा। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब्स का वो इंडेफिनिट का आप लोग कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज़ कर सकते, और जो कॉन्टिन्यूस का वो आप परफेक्ट में नहीं यूज़ कर सकते। जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो तीनों सेंटेंसेस की चारों चारों काइंड्स की आप लोगों ने एज इट इज़ याद करने हैं, ताकि उसमें जो गलती का मार्जिन है वो बिल्कुल ना रखे, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों ने अगर फॉर्म की गलती कर दी तो भी सेंटेंस गलत, अगर हेल्पिंग वर्ब की गलती की तो भी सेंटेंस गलत। इसलिए फॉर्म को तो याद करने का एक आसान सा तरीका है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आप लोगों को एज इट इज़ ही याद करना पड़ते हैं कि इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और कॉन्टिन्यूस में कौन सा होता है, और परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे एन डबल एस से मुराद का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव यानी कि सेंटेंस कब होता है, जब उसमें किसी चीज़ की नफी की जा रही हो, यानी कि किसी चीज़ को करने से उससे इनकार हो रहा हो या नफी हो रही हो, नहीं का लफ्ज़ यूज़ हो, तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि उसकी नफी हो रही है किसी चीज़ की, हेल्प तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा के फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ मैच भी करेंगे। आगे हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो जब वही सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं, तो उसके फौरन बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आए, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पे देखें एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है ताकि आप लोगों को ये भाव ना रहे कि सेंटेंस नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है जो सिंपल सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखी, उसी को नेगेटिव किया, उसी को इंट्रोगेटिव किया, और इसी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों कंडीशन में भी किया। वो कैसे है, उर्दू सेंटेंस देखें, वो सबक याद करता होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ता होगा, ये हमारे पास ता इंडेफिनिट है और गा फ्यूचर है, हम लोगों ने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस का। अब इसके बाद हम लोगों ने याद करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं और फॉर्म वर्ब कौन से यूज़ होती है। फ़ौरन से हम लोगों ने याद किया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लास्ट पीछे पढ़ा है, इसमें विल और शैल यूज़ होते हैं, तो फॉर्म वर्ब इसमें इंडेफिनिट है चूँकि, तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो वो सबक याद करता होगा, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, जो आपका दिल करे वो आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा ही, वो के लिए हम लोग ही या शी यूज़ करेंगे, तो इसमें कौन से ग्रुप में आती है, ही ये सिंगुलर ग्रुप में आती है, तो इसके सिंगुलर ग्रुप में हम लोग लगाते हैं विल। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलर ग्रुप के साथ ही शीट के साथ हम लोग विल लगाएंगे, और प्लूरल ग्रुप आई वो यू एक साथ हम लोग शैल लगाएंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम लोगों ने कुछ ऐसे किया, ही विल लर्न दी लेसन, ठीक है, वो सबक याद करता होगा। ही अब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे देखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आगे देखें यहाँ पे एस से मुराद है सब्जेक्ट, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लर्न हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, और लेसन जो है वो हमारे पास
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर था उसको एज इट इज़ फॉलो करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब नेगेटिव करें इसी सेंटेंस को, वो सबक याद नहीं करता होगा। तो क्या हम लोगों ने कहा था कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ही विल नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। तो नॉट हम लोगों ने लगा दिया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और लगाया हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, ठीक है। इसका मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा ऊपर वाला जो था वो ठीक था, और नीचे वाले में हम लोगों ने नेगेटिव के बाद विल के बाद नॉट लगा दिया, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट मैच है। अब इसको इंट्रोक्टिव करें, क्या वो सबक याद करता होगा? तो इंट्रोक्टिव में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे, तो फिर क्या करेंगे, विल ही लर्न द लेसन, तो विल जो है वो बस हेल्पिंग वर्ब का, वो सेंटेंस के स्टार्ट पे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। सो लास्ट जो हमारे पास कंडीशन आ सकती है वो क्या, क्या वो सबक याद नहीं करता होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव में तो हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे विल, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पिछले पेज पर देख लें एक दफ़ा, ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है उसका वो सेंटेंस हमारे पास कुछ यूँ है, विल ही नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। तो क्या हुआ, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो सबक याद करता होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन देख लें, वो जो भी है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सबक याद करता है ना, वो काम कर रहा है, तो वो हमारे पास है क्या, सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया सेंटेंस में जो काम कर रखा हो वो है सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रखा हो वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो सबक बेसिकली जो वो सबक जो वो जो काम कर रहा है ना वो सबक याद कर रहा है, तो सबक पर काम हो रहा है, सबक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेसन वो सेंटेंस के लास्ट पे, ठीक है। और याद जो है, याद करना जो है वो हमारे पास वर्ब है, तो वो क्या हुआ, लर्न हुआ, ठीक है। ही विल लर्न द लेसन, ही विल नॉट लर्न द लेसन, विल ही लर्न द लेसन, विल ही नॉट लर्न द लेसन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक एग्जांपल लिख के उससे भी सेंटेंस को समझ के तो उसकी कंडीशंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा ये ग्रामर का लेक्चर कम्प्लीट हुआ है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ग्रामर का लेक्चर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल।